बस यहीं यहीं रख दो। हरी जीजा जी, अंकल जी तो अभी भी विकास जी के जिंदा होने के भ्रम में हैं। कब तक ये बात उनसे छिपा के रखेंगे? जब तक अंजलि और श्रद्धा नहीं बताते। अंजलि, बेटा सारा खाना बगैर लहसुन प्याज के है। अगले 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जल सकता घर में। 2 वक्त का नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ मैं भेज दिया करूंगी। थैंक यू माँ। घर पे ये सब हो जाने के बाद क्या करना होता है ये तो श्रद्धा और मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आप गाइड कर रही हैं, थैंक यू। वैसे आप सभी ने इतनी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, मैं थैंक यू बोलूं तो कैसे बोलूं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप मदद करेंगे तो फिर वो मदद सिर्फ एहसान लगेगा। हमें अपने आप को संभाल लेने दीजिए मेहरबानी करके। हाँ हम सब करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुढ़िया घर में नहीं तो क्या हुआ? अब श्रद्धा जो है ना खाना बनाएगी। श्रद्धा श्रद्धा बीड़ी बीड़ी देखा तू रात के 8 बजे नाने के कैसे सूझी तुझे? आजुबा आज पुलिस स्टेशन में भागदौड़ ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए थक गई। और आप ही कहते हैं ना कि 2 मग गर्म पानी की सारी थकान मिटा देता है, इसलिए जल्दी से नहा लिया। देखा, हर बात का जवाब है इसके पास। पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है तुम्हें या वरना मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ना? नहीं नहीं, आप बस आराम कीजिए आजुबा, बाकी का मैं संभाल लूंगी। सुन अंजलि, सबको लेके तुम ससुराल चली जा, वहां की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आजुबा, बिना भड़के मेरी एक बात मानेंगे? जब तक अज्जी और पापा घर नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। अंजलि, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा, ये सही रहेगा। ठीक है आजुबा। ये घर हमारा है, तुम्हारा जो ससुराल है वो तुम्हारा घर है, समझी? मायका है मेरा, यहाँ रहने के लिए ना मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सुबह। इस घर में रहने के लिए मेरी परमिशन चाहिए, समझी? और ये तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुझे मंजूर नहीं है। तू तो ऐसे बनती जैसे बुढ़िया के बिना मैं रह नहीं सकता। कर लिया मैंने हम लोग, और वैसे भी 2-3 दिन में विकास आ जाएगा। कितना काम है? 2-3 दिन का काम है ना, और क्या, तो मिल बांट के कर लेंगे हम लोग। और श्रद्धा भी तो है, 2-3 दिन का उसके हाथ का खाना खा लेंगे हम लोग। अंकल जी, कल की कल देखी जाएगी। चलिए आप बैठिए, मैं थाली परोस देती हूँ। नहीं रेखा जी, मेरा जी नहीं कर रहा है खाना खाने का। वैसे मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ, क्या है कि हमेशा इस वक्त बुढ़िया पापा के सामने दिया जलाया करती थी, अभी तक किसी ने दिया जलाया नहीं। पहले मैं दिया जला लूं, उसके बाद आराम से खा लूंगा। वैसे और एहसान मत कीजिए आप प्लीज, हाथ जोड़ दूं आपके सामने। ना आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना। सॉरी, वो सिर्फ अजोबा ही मायके और ससुराल में फर्क करते हैं, और तो कोई भी नहीं ना। एक्चुअली आप लोगों से एक बात करनी थी, बहुत जरूरी डिसीजन है। अजोबा यहीं पे है तो हम थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं? ये अकेलेपन से मैं बहुत बेचैन हो गया, अगर ये बेचैन मैं अपनी पोतियों को दिखाऊं तो बड़ी वाली तो ससुराल छोड़ के सीधा यहाँ डेरा डाली, और छोटी वाली तो छोटी है, चुपचाप रहती कल के हादसे से वो तो और परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं
तुमसे ये बेचैनी बांट रहा हूं। मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है, जैसे कि हाथ से कोई चीज छूटी हो। समझ में नहीं आ रहा कि मन की उलझन कैसे सुलझाऊं। बस एक विनती है, मेरी बुढ़िया को ठीक कर दे। पापा बैठिए, माँ बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना कि अजूबा एक बार जो बात ठान लेते हैं फिर उनके मन को मनाना, उन्हें कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, अजूबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अजूबा को छोड़कर कहीं और जाऊंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर श्रद्धा और अजूबा मेरे साथ घर चल सके तो। मतलब अगर आप लोगों को ये सही लगे तो। इसमें पूछने वाली क्या बात है अंजलि, तुम्हारा ही घर है। अंजलि ये एकदम सही फैसला है, श्रद्धा और दादाजी हमारे साथ ही चलेंगे। जी पोहे जलेबी की कसम, यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह गई। आपने तो कहा था कि बड़ी बहन छोटी बहन को घर आने से रोकेगी, मगर देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। खुद अंजलि श्रद्धा के स्वागत के लिए आंखें बिछाए तैयार खड़ी है। अंजलि बेटा, जो कुछ तुम कह रही हो ना वो हमारे नजरिए से बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय तुम्हें चीजों को अजूबा के नजरिए से देखना चाहिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इस उम्र में चीजों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपना घर, अपनी जगह, अपनी आदतें, अपने तौर तरीके, जरा सोचो ना, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज अपने घर से जुड़ी होती है, इसलिए अपना घर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 75 साल की उम्र में किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो हमारा घर बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे अजूबा के घर जैसा ही है। अगर इस उम्र में और है ना जी इस कठिन परिस्थिति में वो हमें उनकी सेवा करने का मौका दें तो हमें तो खुशी ही होगी। लेकिन अंजलि क्या तुम्हारे आजूबा को ऐसा लगेगा? हाँ बेटा, और फिर हम लोग कितनी दूर हैं? कितनी दूर है हमारा घर? दो घर छोड़ के तो रहते हैं हम, तुम, मैं, श्लोक, तुम्हारे पापा, हम लोग आते जाते रहेंगे बेटा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मैं अपनी निगरानी में एक फुल टाइम नर्स, एक मेड लगवा देती हूँ। सिंपल। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम्हें बेटी माना है मैंने, तो बेटे मां समझकर ये बात कही है मैंने। बाकी बेटा जो तुम सही समझो, जो तुम ठीक समझो वो तुम करना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।